LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप 3 सेक्शन में दी जा रही है। पहला सेक्शन है क्लास 10 का सेक्शन, जिसमें क्लास 10 पास आउट स्टूडेंट को दिया जाएगा। दूसरा सेक्शन है 10+2 इंटरमीडिएट सेक्शन। तीसरा सेक्शन है गर्ल्स चाइल्ड सेक्शन। इन तीनों सेक्शन की एलिजिबिलिटी है क्लास 10 2019-20 सेशन, यानी इस सेशन में पास किया गया हो मिनिमम 60% अंकों के साथ। दूसरा सेशन यानी क्लास 10+2 इंटरमीडिएट सेशन 2019 में पास आउट किया गया हो मिनिमम 60% अंकों के साथ। गर्ल्स सेट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 10th किया गया हो या 12th किया गया हो मिनिमम 60% अंकों के साथ। अगर किसी ने CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या किसी ऐसे बोर्ड से एग्ज़ाम पास किया हो जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम या परसेंटाइल सिस्टम हो, तो ग्रेड और परसेंटाइल को चेंज करके परसेंटेज में ही लिखना है। फॉर्म में परसेंटेज में ही फॉर्म भरना है। फॉर्म आगे आपको दिखाऊंगा, फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म में परसेंटेज के अलावा कोई और चीज़ नहीं फिलअप कर जा सकती है। अगर आपका ग्रेड है तो आपको ग्रेड नहीं फिल करना है, ग्रेड को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में और फिर परसेंटेज फिल करना है। अगर आपका परसेंटाइल है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में चेंज करके परसेंटेज ही लिखना है। LIC गोल्डन सिर्फ स्कॉलरशिप देने का पर्पज़ है अगर स्टूडेंट 10th के बाद ITI डिप्लोमा या कोई वोकेशनल कोर्स या जॉब ओरिएंटेड या कोई स्किल कोर्स करता है तो उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्कॉलरशिप देने का पर्पज़ यही है ताकि 10th के बाद बच्चा नए कोर्स में एडमिशन ले तो उसे आर्थिक रूप से मदद मिल जाए। जिन्होंने 10+2 किया है यानी इंटरमीडिएट किया है और वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करके BTech करना चाहते हैं, MBBS, BMS, BHMS और कोई किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। अगर उन्हें 2019-20 सेशन में पास आउट किया है मिनिमम 60% अंकों के साथ। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2000। LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का ये फॉर्म है। इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म को किस तरह से प्रोसीड करना है, किस तरह से भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। गलती आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर में नहीं करनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे फॉर्म भरने के बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा। उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर से अगर आप सिलेक्ट हुए तो ये फॉर्म फर्दर प्रोसीड होगा। अदरवाइज़ अगर आपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत डाल दिया तो आपको अपने नज़दीकी LIC ऑफिस में संपर्क करना पड़ेगा। आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जा रही है या आपको फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है या डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक लग रही है तो अपने नज़दीकी LIC ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं किस तरह से आपको फॉर्म को प्रोसीड करना है। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी हर स्टेट का बंदा इस फॉर्म को भर सकता है। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, इस फॉर्म को भर सकते हैं। हर स्टेट से, हर मंडल से 10-10 लड़के चुने जाएंगे, 10 लड़कियाँ चुनी जाएंगी, 10 लड़के चुने जाएंगे। थर्ड सेक्शन यानी जो गर्ल सेक्शन बताया था उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, उसके लिए अलग से 10 लड़कियाँ चुनी जाएंगी। फर्स्ट नेम भरना है, सरनेम भरना है, फादर्स नेम, जेंडर, ये सब चीज़ें आसान है, आप खुद भर सकते हैं। मैं बताता हूँ कहाँ से आपको गलती हो सकती है। 10, 12 और 11th का नंबर भरना है, परसेंटेज जैसे मैंने बताया वैसे ही भरना है। अगर आपका परसेंटाइल है या ग्रेडिंग सिस्टम है तो आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही लिखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर, अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो आप अकाउंट नंबर में 0 लिखेंगे, ZERO, 0, 0 लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स में, 0 नंबर्स में आपको नहीं लिखना है। इसलिए क्योंकि 0 को कुछ लोग ओ टाइप कर देते हैं, इसे वो गलत हो जाएगा। तो आपको 0, अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं है, अकाउंट नंबर है तो लिख दीजिए, अकाउंट नंबर नहीं है तो आप वहाँ आपको ZERO लिखना है। फिर उसके बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने सही फिल किया है तो एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आएगा, उस एक्नॉलेजमेंट मैसेज को आपको सेव करके रखना है। आगे जब आप सेलेक्ट होंगे तो फॉर्म आपका उसी एक्नॉलेजमेंट मैसेज से प्रोसीड किया जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020।